मोदी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट में मध्यवर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयकर सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सालाना 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर भी करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीपीएफ या बीमा में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने पर आयकर की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स से छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि करदाताओं को पिछले वर्ष के मुकाबले 10,000 रुपए की और राहत प्रदान की गई है। गौरतलब है कि यह सुविधा वेतन भोगी और पेंशन भोगियों के लिए है। आयकर की निम्न सीमा को बढ़ाने के अलावा मौजूदा कर ढांचे में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं को सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10,000 रुपए की वृद्धि का ही लाभ मिलेगा। होम लोन पर 2 लाख रुपए तक ब्याज, एजुकेशन लोन, नेशनल पेंशन स्कीम का निवेश, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आदि पर टैक्स छूट का लाभ इसमें शामिल नहीं है। यह सब पहले से लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक और बड़ी राहत मकान किराए से होने वाली आय पर मिली है। अब अगर आपके नाम से 2 मकान हैं और दूसरे मकान से किराया नहीं आ रहा है तो आप पर इनकम टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। बैंक या डाकघरों में जमा रकम से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स राहत बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 रुपए तक का ब्याज कर मुक्त था, पर अब 40,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स TDS नहीं देना होगा। रेंट से होने वाली कमाई पर 2.40 लाख के बाद अब TDS कटेगा। पहले 1.80 लाख रुपए पर ही TDS कटता था। इस तरह मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में उच्च मध्य वर्ग के करदाताओं को कर छूट में किसी तरह की राहत नहीं दी है।